lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Hello everyone, welcome back to my channel. And this is my Goa series ka second day hai. और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैंने स्पेशली आप लोगों को ये बालकनी टूर कराने के लिए वीडियो स्टार्ट किया है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा सा बालकनी है, आराम से मस्ती से आप टाइम पास कर सकते हो यहाँ पर. और बहुत अच्छी सी धूप आ रही है, सामने से व्यू भी काफ़ी अच्छा है. सामने ही स्विमिंग पूल है, सो इट्स क्वाइट नाइस. बट यार, स्विमिंग पूल के लिए तो हम यहाँ पे आए नहीं हैं, हम तो यहाँ पे बीच के लिए आए हैं. इट्स अ कोइंसिडेंस बट आई डोंट थिंक सो दे आर अलाउइंग फॉर पूल और नॉट, और मे बी सम क्लीनिंग चल रही है, वट एवर. सो यहाँ हमने ये एक अपार्टमेंट लिया है, दिस नॉट एनी विला और 2 BHK अपार्टमेंट विच इज़ सिचुएटेड इन नियर कलंगुट. इट्स 2 किलोमीटर फ्रॉम कलंगुट. बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है, बाहर निकल के सब कुछ है. मैं सारी डिटेल्स आपको गोवा सीरीज एंड करते करते बता दूंगी, या तो एक अलग व्लॉग बना के उसमें आपको बता दूंगी. और या कल तो हमने कुछ भी नहीं किया, ना कोई शॉपिंग करी है ना कुछ करी है. अगर मैं कोई शॉपिंग करती हूँ या टैटू बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक कर दूँगी. वो अभी तो फटाफट मैं ब्रश कर लेती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए निकलेंगे एंड हमारा स्कूटी भी किसी भी टाइम पर आ सकता है. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. So, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं just अभी शार लेकर आ गई हूँ and अभी थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं. एंड या सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, हमें काफ़ी लेट हो गया है. कलंगुट बीच पर एक रेस्टोरेंट है, सेकंड फ्लोर पे चढ़ के जाना होता है. इट्स अ वेरी वेरी नाइस रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है वहाँ पर. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी साउथ इंडियन स्टफ और एनी नॉर्थ इंडियन स्टफ लाइक पाव भाजी, छोले भटूरे, डोसा, इडली वड़ा, सांभर, वॉट एवर, वेरी टेस्टी, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको हम ब्रेकफास्ट मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी टेस्टी. हम हमेशा वहीं जाना प्रेफर करते हैं. एंड अभी तो मैं सोच रही हूँ बाल सूखने में पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा, बट हमारा बालकनी का लोकेशन इतना अच्छा है कि बहुत धासु वाली धूप आ रही है यहाँ पर, तो मैं थोड़ी देर में मेरे बाल सुखाती हूँ. एंड या बालों को शॉर्ट रखने का यही फायदा होता है, फटाक से सूख जाते हैं. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. मैंने यहाँ पर एक ऑफ शोल्डर टॉप पहना है और उसके साथ में है प्लाजोज एंड या स्टेटमेंट ईयरिंग एंड नथिंग एल्स. मैं कुछ भी नेक पीस पहन के हैवी नहीं करना चाहती, सो या आई थिंक इट्स गुड टू गो. एक फ्रंट लुक मैं दे देती हूँ आप लोगों को, लाइक इस रूम की लाइट्स इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मेरे घर पर तो इतनी अच्छी लाइट है ही नहीं. सो Savannah, I'm coming home. Savannah.
दिस वन इज माय फाइनल लुक. गोवा में बिना स्पेक्स के तो आप चल ही नहीं सकते. दिस इज अ वेरी नाइस स्टाइल स्टेटमेंट. ग्यारह बज गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं डोनापोला के लिए. यहाँ मैं हूँ और मेरे पीछे मेरे फादर इन लॉ है. वह घूमने आते हैं तो ऐसा ही होता है. देयर इज नो एनी प्लान, बस कहीं भी रैंडम आ जाते हैं. जाने का प्लान था हमारा ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट कैंसिल करके अभी हम निकल चुके थे डोनापोला की तरफ. तो अभी हम आ गए हैं वैगाटोर. जा रहे थे वैगाटोर के रास्ते में और हमने यहाँ पर देखा एक चर्च, तो हम रुक गए और चर्च में आ गए. बिकॉज मे बी हम ओल्ड गोवा चर्च जो है वो नहीं जा पाएंगे बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है इस टाइम पर. तो हम ऐसे ही बीच में जो भी चर्चेस वगैरह आएंगे उनमें जाएंगे और अभी हम वैगाटोर की तरफ ही जा रहे हैं. मैं वो भी श्योर नहीं बोल सकती बिकॉज जाने का प्लान होता है फिर कहीं और चले जाते हैं, बट मोस्टली वी आर गोइंग टू वैगाटोर. सो अभी हम हैट वगैरह थोड़ा ले रहे हैं. मुझे अब हैट का शौक बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज मैं दो तीन बार ले चुकी हूँ और मेरे सारे हैट इधर उधर हो जाते हैं. प्लस मुझे इतना कुछ नहीं है अभी, तो मुझे ड्राइव ही करना है एंड आई एम फाइन विद माई स्पेक्स. तो अभी हम वैगाटोर की तरफ बढ़ रहे हैं, जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर. Finally we are in Vagator beach or yeah, this is one of the really nice beach. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Now I'm at Vagator beach और ये बहुत ज़्यादा happening दिख रहा है अभी सुबह के टाइम पे. एंड या जो लोग सनबर्न 2019 में आने का प्लान कर रहे हैं, मैं उनको बता दूँ उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वैगाटोर बीच पे ही होता है सनबर्न एंड मेरे फेवरेट चेन स्मोकर्स आ रहे हैं. सो आई एम सो मच सैड कि मैं क्यों नहीं आ सकती. वैसे हमारा प्लानिंग पहले ही हो गया था, उसके बाद में हमें पता चला है, तो हम कैंसिल करके दोबारा टिकट्स नहीं करा सकते थे बिकॉज इनबॉन्स भी साथ में आ रहे थे तो सब कुछ हैफ्ट हो जाता. बट इट वॉज सो सैड कि मैं वैगाटोर बीच में अभी आ रही हूँ. मेरा बहुत मन था एंड स्पेशली चेन स्मोकर्स, दे आर माय फेवरेट. तो कमेंट करके बताइए किसके फेवरेट है चेन स्मोकर्स. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा वाओ. गोवा आते ही मूड एकदम रिफ्रेशिंग हो जाता है और पानी देख के तो खास कर. करने के लिए आ गए हैं वैगाटोर के पास के रेस्टोरेंट में, तो देखते हैं चूज करते हैं मेनू. Very nice and satisfying lunch. We are heading towards Donapola. Yeah, Donapola. And yeah, यहाँ से तो हमें थोड़ा सा time लग जाएगा because हम काफ़ी ऊपर की तरफ आ गए हैं, हमें पंजिम जाना है. तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम हम गए थे वहाँ पे जो डोनापोला का मेन पॉइंट है वो ओपन था बट अब बंद हो गया है. हमने पूछा तो उन्होंने बोला एक साल से बंद है, वॉट एवर. सो या सीनिक ब्यूटी इज़ वेरी नाइस और बहुत काम वाटर है.
looks so nice. आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने पिया है लेमन वाटर एंड काला खट्टा एंड कोकम. या कोकम यहाँ के आप ज़रूर पीजिए, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, बहुत अच्छा होता है. ठंडी सी हवा चल रही है जिसका हम मज़ा ले रहे हैं. सो या और यहाँ से हम मे बी नियरेस्ट बीच जाएंगे जो कि है मिरम्मा बीच. So now we are in मिरम्मा बीच और यहाँ मैं नहीं आई हूँ. मोस्टली हम अभी रिटर्न हो रहे थे दोनापुरा से, बिकॉज वहाँ पे हमें कुछ भी खास नहीं देखने को मिला, तो हम ये बीच आ गए हैं. और बीच के बाहर बहुत ही मस्त मस्त से चाट स्टॉल्स हैं, तो वी विल बी गोइंग टू ट्राई सम ऑफ देम मे बी, देखते हैं. वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, बट कुछ भी मिस भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी है. तो या मे बी विल गो. तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम बिताएंगे एंड देन उसके बाद में हम जाएंगे चाट खाने. सो अभी हम मिरम्मा बीच से वापस जा रहे हैं एंड बीच वॉज क्वाइट नाइस, बट जो हमने चाट खाया वो बहुत ही बेकार था, बहुत ज़्यादा बेकार. सो या सो पूरे दिन भर से निकलने के बाद अभी 6 बजे हम अपने BNB यानी कि अपने घर में वापस आ गए हैं. एंड तो आराम से भी रेस्ट करना है, बिकॉज आराम से भूख वूख सब मिटी हुई है. मे बी हम डिनर करने के लिए ही अब डायरेक्ट निकलेंगे, अब हम कहीं और नहीं निकलने वाले. गोवा के सबसे हैपनिंग बीच यानी कि बागा बीच के शैक्स पर डिनर करने का प्लान है. तो या और कुछ आज का प्लान नहीं है, बिकॉज़ हमने ऑलमोस्ट जो जो चीज़ें कवर करनी थी वो कवर कर ली है. अब अभी हम जाएंगे बागा बीच और कल का हमारा प्लान है सनराइज़ देखने का और या समुद्र में नहाने का. एंड हम सोच रहे हैं कलंगूट या बागन, दोनों में से कहीं जाएंगे. कहाँ जाएंगे अभी पता नहीं है, तो वो हम कल जाने वाले हैं. I'm ready for डिनर जो कि हम जाने वाले हैं बागा शैक्स पे. सो या मैंने जस्ट एक नॉर्मल सा टॉप पहना है जो कि मेरा फेवरेट टॉप है, द टॉप इज़ फ्रॉम ज़ारा. और मैंने एक लॉन्ग स्कर्ट पहना है विच इज़ फ्रॉम फॉरएवर 21 एंड उसके अलावा मैंने ये गोल्डन इयररिंग्स पहने हैं एंड साथ में एक स्टेटमेंट ज्वेलरी एज यूजुअल नॉर्मल. एंड या एक जस्ट परफेक्ट डिनर पार्टी के ड्रेस के हिसाब से मैंने ड्रेसअप किया है एंड नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर द डिनर. आ चुके हैं हमारे मोस्ट हैपनिंग बागा बीच में एंड या वी आर सर्चिंग फॉर अ गुड टेबल. So we took one table.
डिलाइटफुल डे. अभी मैं वापस आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 11 एंड अभी हम सोने वाले हैं बिकॉज कल फिर से हमारा थोड़ा बहुत प्लान है बिकॉज शाम को कल हम निकलने वाले हैं तो सुबह को हमें थोड़ा कुछ और भी चीज़ें कवर करनी है. जैसे हमें नहाना है कलंगूट एंड बागा को, जो उनका मॉर्निंग व्यू है वो देखना है. बहुत मज़ा आया एज यू ऑल गाइज नो कि बागा बीच कितना ज़्यादा हैपनिंग है और बागा बीच का नाइट लाइफ एंड जो भी शोर शराबा मस्ती एंड रेस्टोरेंट ऑल वेरी वेरी नाइस. खाना भी काफ़ी अच्छा था दो इट्स वेरी कॉस्टली. एग्जैक्टली इट्स कॉस्टली ऑन द शैक्स बट स्टिल इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस और एक एक्सपीरियंस करने के लिए आप जा रहे हो तो आपको ज़रूर जाना चाहिए. तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स आप देखते रहिए जितने भी मैं सीरीज़ बना रही हूँ गोवा के एंड आई होप आपको काफ़ी पसंद आएंगे बिकॉज काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मैं. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन टू गेट माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट जिससे आपको मेरे गोवा के व्लॉग्स के बारे में पता चलता रहे और ऐसे ऐसे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे जब भी मैं किसी न किसी ट्रिप पर निकलूँगी. तो या टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय गुड नाइट. मैं मिलती हूँ गोवा के इस व्लॉग का जो मैं थोड़ा पार्ट और बनाने वाली हूँ जो कि मैं कल बनाऊँगी. तो या दैट विल बी द थर्ड पार्ट. तो या वेट फॉर दैट. टिल देन बाय.